रेलवे बोर्ड से मिले दिशा निर्देश के मुताबिक छत्तीसगढ़ के एसईसीआर जोन में 3 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कल 4 सितंबर से शुरू होगा। एसईसीआर ने ट्रेन परिचालन को लेकर टाइम टेबल जारी की है। आपको बता दें कि इससे पहले जारी गाइडलाइन के अनुसार ही ट्रेनों में यात्री सफर कर सकेंगे। टिकट की बुकिंग ऑनलाइन होगी। टिकट कन्फर्म होने के बाद ही स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना अनिवार्य होगा। सबसे बड़ी राहत कटनी रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी। कल से दुर्ग अंबिकापुर स्पेशल एक्सप्रेस, रायपुर कोरबा हस्तेर एक्सप्रेस स्पेशल, रायपुर केवटी डेमू एक्सप्रेशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। काफी लंबे इंतजार के बाद अब राजधानी रायपुर में 3 स्पेशल ट्रेनें भी दौड़ेंगी। आज हम राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर गिने चुने ही यात्री यहां पर नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम जो यात्री हैं वो एहतियात के साथ यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बात करें ट्रेन की, तो यहाँ पर भी 2 से 3 ट्रेन ही है, वो यात्री ट्रेनें यहाँ पर दौड़ती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से काफी कम जो है यात्रियों की संख्या हो गई है, ट्रेन भी कम हो गई है, इस वजह से यात्री भी जो है वो घट गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर लगातार जो है व्यवस्था भी काफी की जा रही है, जिसे भी यात्री को जो है बिना थर्मल स्क्रीनिंग के यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता। इसके साथ ही सैनिटाइजर होना उसके पास अनिवार्य होता है, आरोग्य सेतु ऐप उनके पास होना अनिवार्य होता है। तो तमाम इन एहतियात के बीच यात्री यहाँ पर आते हैं और रेलवे स्टेशन में सवार करते हैं। तो इस तरीके का जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की जाएगी। और कल से जो 3 ट्रेन दौड़ेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि यात्रियों की संख्या में कितना इजाफा होता है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो अब लॉकडाउन